एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल श्रीकाश। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी सुबह का वक्त हो रहा है और अभी बनाना है नाश्ता। तो आज नाश्ता में बनेगा सूजी का रोटी, जो कि मम्मी बनाएगी, मम्मी बताएगी। और आज और एक ब्रेकफास्ट में बनेगा सूजी का रोटी, और बनेगा लंच में बनेगा खिचड़ी। तो खिचड़ी बनेगा जो कि मम्मी बनाएगी। आज मम्मी ब्रेकफास्ट भी बनाएगी और खिचड़ी बनाएगी। मम्मी का मैं हेल्प करूंगी चोखा वगैरह बनाने में। चोखा भी बनेगा और दाल का जो होता है वो चटनी भी बनेगा। तो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, मम्मी बनाएगी तो मैं उनका हेल्प करूंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी बीच बीच में। तो चलिए चलते हैं किचन में, आप लोगों को शुरू से अंत तक दिखाते हैं कि कैसे कैसे सूजी का चीला बनाया जाता है। बहुत लोगों को पता होगा सूजी का चीला कैसे बनता है और उसमें क्या क्या दिया जाता है। और हमारे घर में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, इधर जो हमारे काम हो रहा है सब, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है ये रहा। लेकिन तो भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी बोलने के लिए। और मंदिर में यहाँ पे शिव चर्चा जो होता है वो भी हो रहा है। तो अगर ये वीडियो आपको हमारा पसंद आया तो हम वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं किचन में। बन रहा है सूजी का चीला, चीला ही बोला जाएगा। तो मम्मी यहाँ पे मिला रही है, सबसे पहले गया प्याज और इसमें सूजी है कटोरी में, इसके बाद टमाटर और मिर्च, हरा मिर्च, और ये गाजर ऐसे घिस के देना पड़ता है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसके बाद यहाँ पे धनिया का पत्ती भी है, और इसे पहले मिक्स करके रखना पड़ता है ताकि अच्छे से फूल जाए, मतलब रोटी अच्छे से बने, क्योंकि ये सब से भी पानी निकलता है तो उसमें पानी आ जाएगा। और ये जा रहे हैं नमक, हम लोग 2-3 बार खा चुके हैं सूजी का चीला, अच्छा लगता है खाने में। थोड़ा सा हल्दी कलर आने के लिए, तो इसे अच्छा से पहले मिक्स करके रखना पड़ेगा क्योंकि ये सारे सब्जी में पानी होता है, तो पानी सूजी एब्सॉर्ब कर लेगी। पानी दो, जाएगा इसमें पानी। ज़्यादा पानी नहीं, थोड़ा थोड़ा दिया जाता है। बाद में जरूरत पड़ेगा ना तब पानी दे देना। फूलेगा ऐसे ऐसे एक करके रख देना होगा ताकि अच्छे से फूल जाए, क्योंकि सूजी है तो पानी बहुत इसमें लगेगा ही। अभी बस अब इसे रख देंगे ढक के, 1-2 घंटे बाद फिर बनाएंगे। तो यहाँ पे मम्मी एक बना के दिखा रही है, फिर मैं बनाऊंगी। और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया, तो यहाँ पे सूजी में मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था इसे पतला करने के लिए, आप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मम्मी तवा में डाल दिए तेल, और तेल में हल्का तेल और मस्टर्ड ऑयल है वो, और इसमें डाल दिए सूजी, और इसे हाथ से ऐसे से फैलाना पड़ता है। आप चाहे तो चम्मच से भी इसे फैला सकते हैं, लेकिन हाथ से क्या होता है ना, अच्छे से होता है और पतला बनता है, ज़्यादा मोटा नहीं बनता है, पतला ही अच्छा लगता है खाने में। तो बस ये ऐसे ही दे देना है इसमें, और इसे अच्छे से पकाना है इस तरह से। और अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ, तो इसे मैं पलटूंगी धीरे धीरे धीरे, ऐसे इसे चम्मच की मदद से इसे पलटना है। यहाँ थोड़ा टूट गया था, लेकिन कोई नहीं, उसे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि फर्स्ट वाला था इसीलिए। तो ये ऐसे इसे पलट कर इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगाना है, और इसे अच्छे से सेकना है अच्छे से, ताकि सिक जाए और खाने में बहुत टेस्टी लगा था। और मम्मी एक तरफ कर रही है यहाँ पे खिचड़ी बनाने की तैयारी, जो कि मम्मी आप लोगों को दिखाएगी और बताएगी भी। मैं बनाऊंगी वीडियो तो आप लोगों को दिखाऊंगी। आज मम्मी बनाने वाली है खिचड़ी। हाँ, तो खिचड़ी में मम्मी कौन सा दाल है बता दीजिए। अरहर का, और ये मूंग, ये चना दाल, और ये मसूर दाल। तो ये चारों दाल से आज बनेगा। तो मम्मी यहाँ पे कुकर में ले लिए पानी, अब डाल रही है स्वाद अनुसार नमक, और ये डाल रही है हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर, और इसे दाल सारा उसमें डाल के उबालेगी ना, उबालिएगा ना दाल, सीटी लगाएगी। हाँ, ये दाल मम्मी अभी धोएगी पहले,
तो मम्मी यहाँ पे दाल धो रही है। हम सिंपल खिचड़ी बनाएंगे। हाँ आज सिंपल खिचड़ी बनेगा, लेकिन अरवा चावल का, जो छोटा छोटा सादा वाला चावल होता है उसका बनेगा। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सूजी वाला रोटी, और आज है सैटरडे इसीलिए खिचड़ी बनेगा। तो आज सिर्फ ब्लॉग में सिर्फ मम्मी को देख पाएंगे आप लोग। मम्मी क्योंकि ये सब भी कर दी मम्मी, और अभी बनाएगी खिचड़ी। तो दाल पहले सीटी लगाएगी, लहसुन और मिर्च का पेस्ट है तो इसमें डाल रही दाल में। ज्यादा ना दे, थोड़ा सा, थोड़ा सा ही उसमें डाला जाएगा। चोखा, चोखा बनाने के लिए आलू डालेगी मम्मी, इसी में डाल देगी, उबल जाएगा आलू। आलू का चोखा, खिचड़ी और चने दाल का चटनी बनाएंगे। आलू का चोखा डाला तो नहीं, हम तो ज्यादा खाए नहीं, ऐसे ज्यादा आलू डाला। हाँ मम्मी को चोखा पसंद है इसीलिए। यहाँ पे कुकर में चढ़ गया है दाल उबलने के लिए। यहाँ पे दाल फ्राई हो रहा है क्योंकि दाल का चटनी बनाना है। और इसके साथ दाल उबल गया था, अब मम्मी डाल रही है इसमें गाजर। गाजर पहले ही डालते हम लोग, लेकिन थोड़ा सा गलती हो गया, भूल गया, लेकिन इसमें भी हो जाएगा गाजर। तो ये गया हरा मिर्च कुछ, ये टमाटर, हाँ धनिया का पत्ता भी है वो बाद में डालेगा। ये है ये वाला चावल छोटा छोटा, इसका हम लोग पुलाव भी बना, और ये तुरंत बन जाता है ये चावल, ज़्यादा लेट नहीं लगता है बनने में। तो ये गया है सारा चावल। यहाँ पे बन गया है आलू का चोखा, ये डालना है इसमें, ये आलू का चोखा और ये है दाल का चटनी। तो यहाँ पे खिचड़ी बन रहा है, उबल रहा है, थोड़े देर में बन जाएगा, लगेगा खिचड़ी में तड़का। तेल, ये गया तेल में सूखा लाल मिर्च और जीरा, और अब जा रहा है तेज पत्ता। जाएगा इसमें धनिया का पत्ता, ये धनिया का पत्ता, सुंदर लग रहा है। ये चला गया धनिया का पत्ता, ये रहा हमारा खिचड़ी, और ये अभी और सूख जाएगा खिचड़ी। आज हमारे घर में बना है खिचड़ी क्योंकि आज शनिवार है, आप बिहारी लोग अधिकतर खिचड़ी खाते हैं शनिवार को। मिश्रित खिचड़ी को परोसते हुए हलवा चल रहा है। देखिए लड़की को मना कर रहे हैं, हम टमाटर और मिर्चा नहीं देने, जान मुझ के मेरे वाला पानी में डाल रहे हैं। देखिए जल्दी देखिए कितना बदमाश है, इतना बदमाश, हटाइए, चटनी डाल रहे हैं, इसको हटाइए ना, हमको आप नहीं हटा सकते, खतरे में मेरा हाथ नहीं जाता है ना, नच नहीं होता मेरा हाथ में, उतना हम नहीं नचुन सकेंगे। बोलिए आप, गुड, बहुत नफरत है, अब उतना हम है तो नफरत झेलना पड़ेगा, बस झेलना तो पड़ेगा भाई। अरे हम जब करते हैं तब तो बोल देते हैं आप टाक से। दीजिए ना, जगह खाली तो कहा है, एक्स्ट्रा प्लेट दे देगा। ये हम लोग का फुल बिहारी डिश, खिचड़ी, चटनी, चोखा और तिलौरी फिलौरी। जय।